नमस्कार नमस्कार हाँ जुगल बाबू नमस्कार नमस्कार आज्ञा आज्ञा जाओ भाव दान कले भाव आओ और आमर समस्त तो आपण माने जानि चंती जे आमे विभिन्न उपादेय विषय नेकिरि आमे वेबिनार माने माने सब करि आसे स्वास्थ्य उपरे योग उपरे साहित्य संस्कृति और विभिन्न विषय आमे सब आध्यात्मिक विषय सब करि आसे आज एक नुवा प्रकार विषय वरिष्ठ नागरिक को इच्छा पत्र जाक आम इंग्लीश विल बिल कहचे एटा एमती गोटे विषय निश्चय समस्त मन में कौतूहल आसो या विषय आम विशद भाव में शुणाप आज प्रवक्ता ये विषय पाई श्रीयुक्त जुगल किशोर साहू मैंने आईनज्ञ विशेषतः ये जो इच्छा पत्र उपरे से बहुत गुड वेबिनार कर विषय प्रगाढ़ ज्ञान रही आशा आपण मैंने समस्ते आज विषय को उपभोग करेंगे और शिखे विषय अधिक सूचना देवे आमर जे संचालक अच्छा श्रीयुक्त प्रदीप्त कुमार महांती बर्तमान मुझे अनुरोध करी संचालक श्री प्रदीप्त कुमार महांती को से कार्यक्रम को आगे नेबे प्रदीप भाई सर अनम्यूट करंतु ओ सॉरी समस्त के आउतरे नमस्कार आमर आज अतिथि जुगल बाबू को आ संजोग मैक ग्रुप समस्त सभ्य कर्मकर्ता मान आज मु नमस्कार जन आरंभ कर आज वेबिनार आम जेहेतु समय अनुसार आरंभ करवा आमर संस्थान रो जो रूल आम से अनुसार ही जीवा समय अनुसार आरंभ करवा समय रे सारिबा तबे आज ये जो संजोग तरफ रो ये जो आयोजन टी करा जाई छि वरिष्ठ नागरिक इच्छा पत्र आज जो जो प्रकार वरिष्ठ नागरिक माने निर्जातित होती बा घरे प्रॉपर्टी पे कंदल चली रही छि देखंतु काली जाने मर्डर होई छि कटक रे समस्त सुनिथिबे सब बेले हाइलाइट हो छि पुओ मा को मर्डर कर छि प्रॉपर्टी पैसा यही तेणुकरी यही जो इच्छा पत्र गोटे निहाती आवश्यकता हो जाए बर्तमान बहु वरिष्ठ नागरिक जो मैंने चाहती निजर इच्छा पत्र विल करवाई से मैंने स्वतप्रभुत भाव कर रखी तो ताद्वारा कौन हो पर पीढ़ी रे किसी असुविधा होनी तेरे यही संजोग विषय मुझे कह चाहिए संजोग मैक ग्रुप प्रतिष्ठाता डॉक्टर हरप्रसन्न दास और टीम मेंबर मानकर ये मानस संतान बहुत दिन रु डॉक्टर दास इच्छा थिला गोटे वरिष्ठ नागरिक संघ करवाई आतीपाई जिते बड़े कोरोना भी हो नाला से इवेन गोटे भल लोकेशन चाहते जो सब फैसिलिटीज रही पार समस्त आसी पारे बसी पारे मिसी पारे तेरे जहाँ कोरोना गोटे बड़ कम करदेला जे ऑनलाइन माध्यम रे कोटी क्या कौन जोड़ीदेला किए नाइजीरिया किए इंडिया रे किए लंडन रे अमेरिका रे किंतु आम समस्त जोड़ी आम समस्त संजोग मेम्बर अच्छे आ संजोग यो डॉक्टर हरप्रसन्न दास द्वारा मान परिचालित हो ग्रुप द्वारा मैक ग्रुप द्वारा श्री दास विषय मो पदे कहीदे चाहिए समय विषय हिसाब से सारे चाहिए डॉक्टर दास भल भल कॉर्पोरेट चाकरी कला भी उच्च पदवी से थिला भी सब बेले चाहूते कि निजर कि गोटे करे और अन्य मान को व्यक्तित्व विकास में साय करेंगे से स्वेच्छाकृत भाव दस वर्ष चाकरी लोभ छाड़ी सी चाकरी अवसर नहीं सी जॉइन करते आए आरंभ करते संस्था सीए संस्थान चेयरमैन और मुख्य कोच भाव अच्छा मैक ग्रुप तो यही ग्रुप रे जो डॉक्टर दास
गत 25 वर्ष ए सेक्टर रे काम करछन्ती देश विदेश रे आ भलो फैमिली काउंसलर हिसाब रे से बेस ख्याति लाभ करछन्ती। आ आपण देखिबे बहुत कॉलेज बहुत कॉर्पोरेट हाउस आजिकाली मोटिवेशनल क्लास सब करछन्ती काई कि ना धरंतु नुवा ट्रेनिंग आसी गेले से मानको मोटिवेट करबा दरकार से मानको केमिति माने कंपनी प्रति उत्सर्गीकृत बा संस्थान प्रति उत्सर्गीकृत हेबे बा अध्ययन रे तो हेबे से विषय रे से करि चलछन्ती। एबे पुलिस कमिश्नर को द्वारा आयोजित पुलिस मित्र मानकर ट्रेनिंग जो करा गला सेठी से ट्रेनिंग ता ही डॉक्टर दास को दिया जायतिला सेटा आम प्रति गर्वर विषय जे मैक ग्रुप रो संस्थान रो जे मुख्य कोच श्री श्रीयुक्त डॉक्टर हरप्रसन्न दास से एटी की परिचालन करथले डिफरेंट बस्ती एरिया को जाई पुलिस मित्र मान को एकाठी करी तबे एई जो संस्थान रो आउ गोटे मैक ग्रुप रो आउ गोटे एबे ह्यूमन पोटेंशियल डेवलपमेंट ट्रस्ट नाम रे आरंभ करा जायछि जोटी अवहेलित पिला मानकर बा अवहेलित नागरिक मानकर केमिति तांगर व्यक्तित्व रे विकास होब विशेष करी पिला मान को जो माने के अर्फान बा बिलो प्रॉपर्टी लाइन अछंती आ बहुत दुखरे कष्टरे अछंती सेइ मान को केमिति व्यक्तित्व विकास होब तांको भीतर भी व्यक्तित्व रहिछि सेइ सब जिंस डॉक्टर दास करी चलछंती और तांको टीम अहर भावरे ए कार्य लगी आज भी तीन टू चार वेबिनार थिला स्वीडन रु डॉक्टर प्रदीडा जॉइन करथिले आज तबे जाओ आ बहुत सुंदर पिला माने सेतिरे उत्साहित होबे जे हमरी देशर लोक बाहर जाई केमति ना कमेई छंती आमे भी दिने सेमति हवा ये गोटे भलो भाबरे ए जिंसटा चालीची आ एई ग्रुप हमर जो हेची तारो एतरे किछटा रूल होचे आमे कोनसी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नाइट गुड नाइट बा जोक पॉलिटिकल मेसेज किछि आसेनी ग्रुप टी एकदम नीट एंड क्लीन क्लमजीनेस किछि नाइ तेणु करी कोनसी रिपीटेड मेसेज ग्रुप रे दिया जायनी जदि बा केई माने देई देले ताले तांको डिलीट करिया पे रिक्वेस्ट करा जाय तबे जाओ आज मु मोर मुख्य वक्ता मान को जीवा पूर्वरु मुझे रूल कहीदे समस्ते ऑडियो को म्यूट रखिए ऑडियो को म्यूट रखिए जो माने वीडियो म्यूट रखते भल कि असुविधा ना ऑडियो को म्यूट रखिए क्वेश्चन जहाँ पचार निश्चित बहुत क्वेश्चन थी आपण सीटे चैट बॉक्स लिखी पकई पारे कि रेज हैंड ऑप्शन जा आप जो रिएक्शन अच्छी कलम से आप रेज हैंड आसज हैंड को जाकि आपण हाथ रेज करी परबे जेतेबेले आपनको क्वेश्चन पचारिबार थिबो जति चैट बॉक्स रे लिखि परनांति तबे आमे आरंभ करबा पूर्वर मु आजर मुख्य वक्ता जे कि हमकु आजर इच्छा पत्र बे देबे श्रीयुक्त जुगल किशोर साहू तांकु मु स्वागत जणौची संस्थान नमस्कार 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 वेलकम आपनको मु आगुरु दुइ तीनटी वेबिनार रे आउ टू दि पॉइंट आप जानते किसी असुविधा ना समस्त कौन प्रोब्लेम वरिष्ठ नागरिक मान आप डील कर अभिज्ञता अच्छी श्रीयुक्त साहू बीएससी रे डिस्टिंक्शन परे एमए बीईडी कला परे एलएलबी कला परे सीए आमर थिले एलआईसी ऑफ इंडिया रे सी आमर क्लास वन एग्जीक्यूटिव हिसाब से रिटायर्ड कर चार से इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रो से फेलोशिप भी पाई आई क्षेत्र में बहुत अभिज्ञता अच्छी प्राय से शहे पाखापाखी वेबिनार और टॉक टॉक शो पर्टिकुलरली ऑन व्हील ऑर्गेनाइज कर डिफरेंट संस्थान रही निजे जड़े फाउंडर जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स ऑफ ओडिशा से ग्रुप रो बहुत प्रेस्टिजियस ग्रुप से ग्रुप रे से जड़े फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भाव में काम कर आज सी आम संस्थान आम
गहणे अच्छा विभिन्न टीवी माध्यम रे आ विभिन्न फोरम रे सीनियर सिटीजन मानकर प्रॉब्लम से पके आछंती तबे आज मु सर आपनको स्वागत जणउची आपण वेबिनार टी आरंभ करंतु आपनकर इच्छा पत्र वरिष्ठ नागरिक इच्छा पत्र उपरे आपनकर अभिप्राय आरंभ करू। जय जगन्नाथ समस्ती मोर प्रणाम। आमे इच्छा पत्र उपरे आलोचना करिबा। इच्छा पत्र वरिष्ठ नागरिक ए दुई जनकर दुईटा जिनिस उपरे केंति तार संजोग रहिछि। प्रथमे मु कहिया पूर्वरु संजोगर कर्मकर्ता मानको धन्यवाद दउछि। विशेषतः प्रदीप्त कुमार महांती संचालक एवं राजकुमार सुतार जोगाजोग जोगाजोग अच्छा दिजन को मोर विशेष धन्यवाद दउछि। मोर बंधु डॉक्टर हरप्रसन्न दास मोर आंतरिक धन्यवाद एवं नमस्कार समस्त जनाऊँगी। नमस्कार। वर्तमान आम आरंभ करिबा जे आमे जो इच्छा पत्र संपत्ति एर संपर्क उपरे आमे प्रथम आलोचना करिबा। इच्छा पत्र रो इंग्रजी रे आमे कहुते विल WILL। ए विल बा इच्छा पत्र आर संपर्क का साथे रहिथि। आमे जेतले आज जो विषय आलोचना करुचे सेथिर आमर संपत्ति सहित संजोग रहिथि। प्रथम कथा हला आमे बुझिया दरकारे ए संपत्ति कहिले कौन। ए संपत्ति कहिले आमे जनरली साधारण भावरे बुझु स्थावर संपत्ति अस्थावर संपत्ति। स्थावर संपत्ति भीतर आमर आसुची जागा बाड़ी घर ए सब आसुची। जो गुड़ा अस्थावर संपत्ति ताको मूवेबल कहुते सुना रूपा खट पलंग विभिन्न प्रकार जिनिस जहाँ व्यवहार करुचे एवं ताको पुणी आउ थरे व्यवहार कर भांगी गले ये सब अस्थावर संपत्ति। एते व्यतीत आउ गोटे प्रकार संपत्ति मध्य रही जो संपत्ति आपण मान बैंक रु लोन आनी कि कौटी टंका गच्छित कर रखी थे पास कौन रखी थे इनवेस्टमेंट कौन करेंगे क्या हाथ उधारी भी देखे कौटी लोन लगे थे निज ये सब जिनस आउ गोटे प्रकार ग्रुप आसुची। एथिरे आपण मानकर मैनेज करेंगे परिचालना करेंगे ये परिचालनार दायित्व विल माध्यम प्रकाश करा जाउछि। तेणु विल हूँ जन केवल इच्छा पत्र से कौन चाहूची जे मु चलीगला परे बा मो अंते मोर जो संपत्ति मुझे शब्द टा कहूँ देखु मोर जो संपत्ति से संपत्ति क्या हस्तांतर करा जीवो बा क्या हस्तांतर मुझे हस्तांतर करने जो विल जो सिस्टम रही योजना रही से योजन आम जेनेली जानूचे कौन चलीगले स्वामी चलीगले स्त्री पाख को संपत्ति आप आप चली जाए बा स्त्री ना संपत्ति जदि स्त्री चलीगला स्वामी पाख को आप आप तार मालिकाना चली आसे से किंतु भूल धारणा। जनकर मृत्यु पर जदि पुरुष हेले से संपत्ति पुणी भाग भाग हो जाए निज पुआ झील स्त्री साती नातुणी मान साथी पुणी गोटे संपत्ति रही आंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति निजे सृष्टि करथिबा संपत्ति एवं गोटे इनहेरिटेड करथिबा संपत्ति मु पाइथिबी पैतृक संपत्ति। ए दि प्रकार संपत्ति भितरे पैतृक संपत्ति रे मोर अधिकार सह सेतरे अन्य मानकर भी अधिकार रहिथि।
तेणु मोर संपत्ति मुझे विल करी से विल आमर जो सक्सेशन माने आईन अच्छी सक्सेशन आक्ट 52 मसीहा से विल ही वर्णना करा जाय छी विल कौन विल विल केमती करा जाय पारिबो पुणी 1956 मसीहा रे जो सक्सेशन आक्ट वेरी पुणी रे ताकु बदला जाय छी परिवर्तन करा जाय छी सेतिर मध्य से विषय रे उल्लेख करा जाय छी तुन आमे जने गृहकर्ता बा घर संपत्तिर मालिक जेतले चली जाय सेतेबेले से संपत्ति केमिति भाग भाग करा जिवो ये ताकु भोग करिवो ये संपत्ति से इधरे क्लियरली लिखा है सक्सेशन सर्टिफिकेट रे सेमति संपत्तिर मालिकाना हस्तांतर हबो किंतु आमे जो कथा आज आलोचना भितर को नउचे सेटा इच्छा पत्र ऊपर आमे आलोचना करचे इच्छा पत्र होची आमर निजर गोटे लीगल डिक्लेरेशन आईनगत मत प्रकाश लीगल डिक्लेरेशन जे मो मन भीतर कौन अच्छी मोर इंटेंशन कौन अच्छी जे मु जो संपत्तिर मालिक से संपत्ति किए भोग करिवो एटा हला मेन जिनिष ता भीतर जो सक्सेशन आक्ट 52 मसीहा रे तैयार हिची से आक्ट रे विल को एई भलिया वर्णना करा जाय छी व्याख्या करा हे छी तेणु आम एति की जानिमा जे विल गोटे जिनिष जो थरी कि ये घर रा मालिक बा संपत्ति रा मालिक निजे किणी थिबा प्रॉपर्टी उपरे जो संपत्ति इनहेरिटेड करथिबो ता उपरे नै निजे जो संपत्ति की निज जीवन काल भितरे रोजगार करी कि से संचय करी के रखी कि बा तार निजर जमी हौ जगह हौ घर हौ एवं तार जो इमोवेबल प्रॉपर्टी कहिथिली मूवेबल प्रॉपर्टी भितरे सुना रूपा खट पलंग इत्यादि इत्यादि ड्रेस पत्र जहाँ अच्छी निजर चशमा आदि तेणु ये सब जिनस मालिकाना केमी हस्तांतर हब ये विल मध्यम सब प्रकाश करेणु विल विषय आम आज आलोचना कले सम्यक भाव तार डेफिनेशन को ये विल केवल कार्यकारी हम के बेले निजर डेथ परे विल जे करी थिबा लोक तार जत्ते बेले देहांत हम सेत्ते बेले जाकि से विल कार्यकारी हेई पारिबो तबे ए विल रे निजर संपत्ति की मु काहा को देबी सेटा मो परे संपूर्ण निर्भर करूछि मु से संपत्ति मो स्त्री के दे दे पारे मो पुओ को दे दे पारे मो झियो को दे दे पारे बा समान भाग रे बा असमान भाग रे परसेंटेज दे किनी शतकड़ा हिसाब रे मो बांटी दे पारे बा शेषरे कौनसी फिलान्थ्रोपिक सोसाइटी के मध्य मु विल कर दे पारे कौनसी संगठन को मध्य मु विल कर दे पारे रास्ता रे चली जाउथिया भिक्कारी के मध्य मु विल कर दे पारे जदि तार एंटिटी अच्छी से लोकटीर तेणु विल करिबा व्यक्ति जहाँ को चाहिबो ताहा को विल करि पारिबो एवं तार निजस्व संपत्ति के से विल करिबो स्थावर हो कि अस्थावर हो जो संपत्ति के से इनहेरिट करथिबो ता परे विभिन्न कटकणा रहिथि ता परे आमे परवर्ती पर्याय रे आलोचना करिबा तबे एही विल रे हमर तात्पर्य कौन अच्छी कहीं हम विल करिया को जिबा मोर जो सेविंग्स अच्छी मु जहाँ रोजगार करी संचय करी मोर जो पदेशन अच्छी सुना रूपा घर द्वार अच्छी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी माने स्थावर अस्थावर मु कहिछि आगुरु ए सब जिनिस मु केमिति काहा को मु देबी सुरुखु रे सेटा हला बड़ कथा एही विल करिया बेले आमे ई प्रकार करिबा ता विषय मध्य स्टेप बाय स्टेप आमे आरंभ करिबा आर कंडीशन कोन किए विल करि पारिबो के विल करि पारिबो नाही मो स्त्री चाहिले कोन विल करि पारिबो कि नाही ए मो पिला माने चाहिले कोन करिवे ए सब जिनिस आमे स्टेप बाय स्टेप आमे आलोचना करिबा तबे विल करियार साधारण भाबरे
जने योग्य व्यक्ति किए हे जो व्यक्ति को 18 वर्ष बा वृद्ध हेथियो तांग मेजॉरिटी नहि थिले ता एज से विल करि पारिबो नाही। ए विल करिया पि हेले जने साधारण भाबरे जने प्लेन पेपर मध्ये विल कर दे पारिबो मरिबा पूर्वरु तार जहां संपत्ति अछि ताकु मध्ये प्लेन पेपर रे लिखि कि से विल कर दे पारिबो। ए जिनिस को जदि आमे रजिस्ट्रेशन भी करा जाय पारिबो रजिस्ट्रेशन आमे राज्य रे सब रजिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन जे करू सब रजिस्ट्रर जमी बाड़ी उपरे से आकु रजिस्ट्री भी करि पारिबे त आमे रजिस्ट्री करि पारु बा रजिस्ट्री न करि भी पारु। रजिस्ट्री करिया पि आमे राज्य रे आमुकु फी दा पडुची 550 टा खंडे जमा करिया पडो कोर्ट रे एवं वकिलर हेल्प नहीं किनी आमको रजिस्ट्रेशन करिया पड़ियो। ए रजिस्ट्रेशन कला बेले एकदम प्लेन लैंग्वेज रे लिखिबे कने इमिती देखंतो हमारी ओडिसा रे जदि आमे कथावार्ता काम जानू जे ए ओडिसा रा विभिन्न एरिया रे बारीपदा पटे आमे यदि ओडिया रे गोटे जिंस कथा हवा से आ गोटे प्रकार सुना जाउथिबो बस तार अर्थ अलग आकेचि होउथिबो। संबलपुर पटे जदि कथावार्ता होउथो से आ गोटे प्रकार होउथिबो खोर्धा पटे जदि किछ कथा होउथो से गोटे प्रकार भाषा एवं जदि आमे कोरापुट साइड रे कथा हवा से गोटे प्रकार भाषा ए निकट माने पड़ोसी राज्य रे भाषा ओडिया साथे मिसि जायथाय बा तंकर लोकल लैंग्वेज थाय सर आपनकर म्यूट हो गई छी परिस्थिति रे सेमन कोहा जाय छी जे तमे जेते पारिबो निजर ओन लैंग्वेज रे ताकु प्रकाश करिवो ओन लैंग्वेज रे प्रकाश कले ताकु बुझिया पि कोर्ट किछ असुविधा नै तन एई दृष्टि रु आमे विल करिया को चाहिले आमे संपत्ति आमे सामान जर संपत्ति मूवेबल बा इमूवेबल आमे विल करि परिबा किंतु मु आगुरु कहि छी आपण मानकु म्यूट गेले इनहेरिट करथिबा ताके विल करि परिबा नाही तेणु जो संपत्ति मु मालिकाना केवल से ही संपत्ति की मु विल करि परिबी ये हला मिनिमम एज हला 18 एवं से साउंड माइंड रे भी थिबो सेति पि गोटे डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट दरकार रजिस्ट्रेशन हला बेले कोर्ट चाहि परिबो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी न चाहि भी पारे जे तमार मेंटल कंडीशन केमते अछि केन आपण माने लक्ष्य करथिबे विल कला परे मध्ये किछि घरे किछि जगह रे पेपर रे बाहरी पड़े जे मोर बापा बा अमक जेजे बापा ये मुंड पागल ये जो विल टी करी की जाई छंती से विल संपूर्ण भूल तेणु एटा को कोर्ट ग्रहण न करू बा जो माने को किनिया को चाहू छंती जे न किनंतु ये सब समस्या भी रही थी आमे ए विल रा लाइट साइड टा देखिबा कोन आर भलो मंद आ मंद साइड भी अछि यार एमते नाही जे मंद नाही मंद साइड भी अछि किंतु आमे जनरली कोन करू साधारण भाबरे देखू जदि भलो साइड टा भलो बेसी संख्या रहबो 80% 90% आमे हेटा को भलो बोली कहिबा जदि डार्कर साइड टा को 5-10% आसिला सेटा को आमे ते ग्रहण करिवानी एटा हला जिनिसता भितरे तेनु आमे ओइल कले ए विल करिया परे जेतले आमे विल करिया को जेबा आमे देखिबा जदि प्रथमे आमे आलोचना भितर को आउ टिके नबा विल टा जे नथिबो हमर कोन असुविधा अछि प्रथमे विल टा नथिले किछि असुविधा नै बोलि बा सुविधा अछि कोन आमे प्रथमे देखिबा विल टा जदि आम पाखरे थिबो तबे आमर संपत्ति सुरुखुरे मोर जो प्रॉपर्टी रे मालिक म अछि सुरुखुरे अन्य पाख को हस्तांतर हो जीव केमिति हस्तांतर हम आम प्रोबेट रे पढ़ से विषय आलोचना करिया लास्ट पाराग्राफ रे तेणु आम बर्तमान हस्तांतर हो जदि मोर कौन से उत्तराधिकारी नहांती मो संपत्ति को भोग करने
तबे से संपत्ति कौन जीव से संपत्ति स्टेट प्रॉपर्टी है जीव राज्य रा संपत्ति है जीव देश रा संपत्ति है जीव तनु से संपत्ति मु जदी उइल करी थीवी से संपत्ति बा किथि खंटा प्रकृति रा लोक दुष्ट प्रकृति रा लोक त माडी बसी खाई खाई जीवार संभावना भी रही तनु मु जदी उइल करी थीवी एथुर मध्य रक्षा पाई पारिबी ए जो संपत्ति रो जो फ्लो अछि माने केमिति कहा पर के संपत्ति भोग करिवो से पुणी विभिन्न प्रकार अछि ख्रिस्टियन मानकर विभिन्न भिन्न धारणा अछि मुस्लिम मानकर भिन्न धारणा अछि हिंदू मानकर भिन्न धारणा अछि किंतु विल एज ए होल आर स्केलेटल जो चित्र गोटे प्रकार रो तुम आमे ए जो संपत्ति भोग करिया को जाउते आमे जेतेबेले विल कि न छाड़ी थी बा न करी थी बा सेतेबेले ए पार्टीशन करिया पे सक्सेशन सर्टिफिकेट पाया पे के कहार मालिक केते भोग करिवो को संपत्ति के नबो सेति बे आमे कोर्ट कचरे द्वारस्थ हबा आम पिला माने दौड़ी धपड़ी किनी हैरान हरकत हबे एवं सेठी सक्सेशन सर्टिफिकेट ते पाया पे केते कष्ट कर जे करी छि से जानि छि वर्ष वर्ष धरी दौड़िया के पड़ी वकिल को तंगर पारिश्रमिक दबा के पड़ी ताबे कोर्ट माने को सर आउटर अपना म्यूट ही जाई चंदी आपन माने माने सुनु जे ए विल करियर बहुत बढ़िया भलो गुण अछि बार प्रभाव बहुत अच्छी आम ओल करने बेनिफिट पाइबा ये सब जिनस नहीं कि आम ओल करिया को निहाती आम दरकार जदि आम ओल टे तबे आम आम इच्छा अनुसार जिते मुझे संपत्ति को सृष्टि करी मुझे न खाई नपी मैं साधारण जीवन जापन करी मु मोर संपत्ति स्थावर अस्थावर किसी तैयारी कर सब भावी जो मोर से जो अधिकार अच्छी से अधिकार मो मानसिक शांति पाइबापी जे मु कौन सी गरीब संस्था को देवी किए सेवा करुच्ची कौट गोटे देवी कि मो पु झील तीन जन अच्छा सुरखुरी मुझे बांटिदेवी बांटिदेला से संपत्ति से मैंने सुरखुरी भोग करेंगे तर मालिकाना पाइबे सक्सेशन सर्टिफिकेट आईले मध्य से मालिकाना पाइबे विल माध्यम रे मध्य से मालिकाना पाइबे किछि तफात नहीं किंतु तफात कोन सक्सेशन सर्टिफिकेट पाइया पे हेले दौड़ धपड़ करी जंजाल भीतर पसी जिवे आपण तो पसी नै आपण जहां सरी गला सक्सेशन सर्टिफिकेट आनिया पे हेले पैटर्नल प्रॉपर्टी माने जे पाइबे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऊपर बहुत झमला अछि सेतरे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी रो जेजे बापार कौन संपत्ति अच्छी कि मालिकाना तार भौणी मान किए अच्छा नाती नातुणी किए अच्छे समस्त अधिकार तेनाली आनसेस्ट्राल प्रपर्टी कहले आम बुझु सपोज मुझे कहि आनसेस्ट्राल प्रपर्टी कौन के मो ग्रैंडफादर एंड एबव मो जेजे बापा जो मैंने अच्छा ना थी संपत्ति है मोर आनसेस्ट्राल प्रपर्टी तेणु यही जो जिनस सब रहा आम उइल कले आम कौन सब सुविधा अच्छी उइल कला बेले आम केमती अधिकार आम के अधिकार जो मैंने बेनिफिशियरी उइल अच्छा से सुविधा केमती संपत्ति मालिकाना हस्तांतर हम बेनिफिशियरी मान पा तेज आम जो उइल करवा तार केमती प्लेन पेपर रे आम उइल करवा उइल कला बेले निज इच्छा अनुसार आपण संपत्ति गोटे शेड्यूल करिवे शेड्यूल हला तार गोटे सूची पत्र कहला भलिया सूची पत्र धर आपण मानकर कोनसी आम मानकर जो संपत्ति अछि स्थावर संपत्ति आम जमी बाड़ी घर द्वार एगुडार से जगार गोटे प्लॉट नंबर खाता नंबर ये सब रही मौजा ना कौन ये सब जिन पटारे अच्छी
प्रॉपर्टी कबल पटारे जो जिन सब उल्लेख कर स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी हूँ मु तार मालिक तो से प्रॉपर्टी गुड़िक लिस्टिंग करेंगे कलम वाइज रो वाइज कर स्थावर संपत्ति कर सारा अस्थावर संपत्ति भी करेंगे अस्थावर संपत्ति भितर आप खट पलंग ड्रेस यूज कर जिनस सुना रूपा सबकि आसब किंतु सुना रूपार जिते बड़े लिस्ट करवा बहुत डिस्प्यूट भी बाहरी जाए किसी स्पेसिफिक ना दे कि अवश्य विभिन्न सुना रूपार ना अच्छी तार के ओजन कौन ये सब भारियसन प्रोब्लेम हो जाए तेनालीरें जदि बहुत भल ना अस्थावर संपत्ति की जेनराली जीवित अवस्था समय बांटीदे भी सर कि बांटीदे मनीष चल कमी तेनालीर भी आप आलोकपात जन करें तार संपत्ति उपरे न करें कि असुविधा ना असुविधा हबार विशेष किसी ना कि आसुची मुझे जिते विल तैयारी करी मुझको आगुरी गोटे सूचना दे थी जे निज भाषा निजर व्यवहार कर शब्द निजर जिनस को वक्तव्य जो रखुंटी लिखि चलिए लिखि सारापर से संपत्ति क्या दबा आप चाहती गोटे स्थावर संपत्ति अच्छी स्थावर संपत्ति ने दस डिसमिल जगह अच्छी धरा जाऊ कि 2000 स्क्वायर फीट रगा टे अच्छी आपड़ चाहती मोर दी पु को भितर बांटी देवा को कि गोटे पु अच्छी झील अच्छी बांटी देवाई सब थे आप सब लिखा पड़ा जो ये जगार ये उत्तर पार्श्व कि ये दक्षिण पार्श्व कि पूर्व कि विभिन्न प्रकार डायरेक्शन देकिन प्राजल भाव में लिखा पड़ो एवं से विल कला बेले आम क्या क्या केत अंश दबा से लिखिपर अंश न दे कि जन को सबुतक देदवा से भी किसी आपत्ति ना एताद भिन्न आम कौन अनुष्ठान को चाहिए से अनुष्ठान को कौन मंदिर को कौन स्वेच्छासेवी अनुष्ठान को गरीब लोक मान सेवा कर अनुष्ठान मान को एनिथिंग कि वरिष्ठ नागरिक मान सेवा कर हेल्प एज इंडिया कर वरिष्ठ नागरिक मान केयर नहीं पार्टी तेणु से पारे किसी असुविधा ना ये संपत्ति बेड़ी आम हस्ता लिखा मुझे निजस्व लांगुएज लिखे आल कला बेले मिनिमम बयस कही 18 वर्ष रु कम हम ना 18 बाध एवं साउंड माइंड रे दरकार जदि गोटे मेडिकल सर्टिफिकेट आम से समय जोड़ी देखा जेहेतु बर्तमान घटू घटना तेज आहरी से स्ट्रंग जिते विल कली से सुस्थ मानसिक अवस्था थी एनी रजिस्टर्ड डॉक्टर दे पार किसी माने ना से सुपर स्पेशलिस्ट दब कि स्पेशलिस्ट दब कि कौन एनी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डॉक्टर दे पार जे से सुस्थ मस्तिष्क अच्छा स्पेसीफिक स्पेसीफाई कर पड़ो क्लीयरली अमक लोक ना या बापा ना आड्रेस क्लीयरली सब जिन रे जहाँ लेखा सरीज लेखा सरला दु जन विटनेस रे साक्षी रे साक्षी कौन पे भितर कौन लेखाई साक्षी कहीं रही पार ना आप लिखी आज जन पढ़वार भी अधिकार ना केवल कोर्ट जहाँ पढ़व से आपने ही पढ़वे आई पढ़ी पारे तेना दीज विटनेस जो पढ़वे से विटनेस पढ़वे कौथ ना आप जो दस्खत कले आपण दस्खत आगे बोली से विटनेस करेणु जो माने धर मु वर्तमान विल करिया को जाऊँ मोर दुई जन साक्षी पढ़िया को आसते 18 वर्ष रु कम हेनी कही
ଏବଂ ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିବା ଦରକାର। ୱିଟନେସ୍ର ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ କଥା ପଚରା ଯାଉନି କୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରିଛି ୱିଲ୍ ତିଆରି କରିକି ଯିଏ କରୁଛି ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତିକି ଦଉଛି ୱିଲ୍ କରିଛି, ସେ ତାର ସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯୋଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଉପକାର ହବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ବାହାର ଲୋକ ଅନ୍ତତଃ ତାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ୱିଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ୱିଲ୍ କି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଗରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 550 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତା ବାଦେ ଓକିଲ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନେବେ। ଜେନେରାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ିର କାଗଜ ପତ୍ର ସବୁ ଯାହା ୱିଲ୍ କରୁଥିବ ସବୁ ଭଲରେ ଥିବ, ଚିହ୍ନା ଜଣା ଓକିଲ ଥିଲେ କିଛି ବି ପଇସା ପଡ଼ିବନି, 500-600 ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଚିହ୍ନା ଜଣା ନଥିବେ ଜେନେରାଲି ଅନ୍ୟ ଓକିଲ ମାନେ କିଛି ପଇସା ନେବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିବି ଦେବି ଯେ ଲେଖିଲେ ସବୁଗୁଡା ହଠାତ୍ ପଢି ହେବନି, ହଠାତ୍ ଉଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମତେ କହିବି, ସେତିକିବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ ବି କିଛି କହିପାରିବି, ତଥାପି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଲା ମୁଁ ବି କହିଦେବି। ମୁଁ ତ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯୋଉ ପ୍ରପର୍ଟିର ମାଲିକ ମୁଁ, କେବଳ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିପାରିବି। ପୁଣି ଆମ ମନ ଭିତରେ ପୁଣି ଇମିଡିଏଟଲି ଆବେଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ମୁଁ ପାଇବି ତାକୁ କ'ଣ ୱିଲ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିପାରିବି। ତା ଭିତରେ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ତିଆରି କରିବା ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରିରେ ମୋ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ଏବଭ ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ସେଥିରେ ଯେତିକି ଅଂଶ ଥିବ, ଧର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 100% ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ବାହାରିଲା 100 ଟଙ୍କା, ମୋର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ମାତ୍ର 10%, ମୁଁ ସେଇ 10% କେବଳ ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିପାରିବି। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିବ ମୋର କୋଉ ଏରିଆରେ ଆସିବ ସେଥିରେ ବି ଆଇନ ଅଛି, ଏ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କି ୱିଲ୍ କରିପାରିବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କି ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କି ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କି ମୋ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ୱିଲ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ମୁଁ ୱିଲ୍ କରିବି କେବଳ ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏତିକି ହେଲା ମେନ୍ କଣ୍ଡିସନ। ଆଉ ଆନ୍ସେଷ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରପର୍ଟି କି ଯଦି କରିପାରିବି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ୱିଲ୍ ଟି କରିସାରିକିଣି ଓକିଲ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ବା କୌଣସି ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠୁ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ କେସ୍ ଥିଲେ 15-20 ହଜାର ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ନିଅନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ନଥିଲେ 7-8 ହଜାର 5 ହଜାର ବି କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିବ ଏଠି ମଧ୍ୟ 20-25-50 ହଜାର ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଭ୍ୟାରି କରିବ ନିଜର ପ୍ରପର୍ଟିର ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ବା ଆମେ ତାକୁ ୱିଲ୍ କରିପାରିବା। ୱିଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ୱିଲ୍ କି ଆମେ କୋଉଠି ରଖିବା, କାହାକୁ ଜଣେଇବା କି ଜଣେଇବା ନାହିଁ, ୱିଲ୍ ଯୋଉ ଦିଆହେଲା ତ ମାନେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପରରେ ଟାଇପ୍ ହେଲା, ଦିଟା ଅରିଜିନାଲ କପି ବାହାରିବ ତାର, ଯୋଡ଼େ କପି ଯୋଉ ବାହାରିବ ଅରିଜିନାଲ କପି, ଗୋଟେ କପି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ କିରେ ରହିବ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ, ଆଉ ଗୋଟେ କପି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା କାଲି ଆପଣଙ୍କର ୱିଲ୍ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ କୋଉଠି ହଜିଗଲା, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ସେ ମିଳିଯିବ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ୱିଲ୍ ମୁଁ କେତେ ଥର କରିପାରିବି, ୱିଲ୍ର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କେତେ ଦିନ ରହିବ।
କହିଲି କୋଉ ବୟସରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୁଁ କଣ କେବଳ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା ଆଦି କରୁଛେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେତେ ଦୂର ସମାଧାନ ହବ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦି ଡେ ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ମତେ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର କଲି, ମୋର ପ୍ରପର୍ଟି କି କ୍ରିଏଟ୍ କଲି, ସ୍ଥାବର ହଉ କି ଅସ୍ଥାବର ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉଇଲ୍ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ମୋର ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବି। 18 ବର୍ଷ ପୁରିବା ଦରକାର ଖାଲି, ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ରୋଜଗାର କରିକି ନିଜର ଝଣବୁହା ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର, ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହବା ଦରକାର। ଏ ହେଲା ଜିନିଷ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଇଲ୍ କରିସାରିଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କହିଛି ଉଇଲ୍ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରି ବି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ ହେଇଥିବ ଲିଗାଲ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୋଉମାନେ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି ଉଇଲ୍ର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଦୃଢ଼ ହେଇଯିବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକି ଭାଗ ଭାଗ କରିକି ଉଇଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନ କରିଥିବା, ଖାଲି ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ଲେଖି ଦେଇଥିବା, ଯଦି କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ ଜାରି ନହେଲା ବା ନ ଉଠିଲା, ସେ ପ୍ଲେନ୍ ପେପର ଉଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦେଲେ ବହୁତ ଉପକାର ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ କଣ ଉଇଲ୍ କେତେ ଥର କରିପାରିବି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରପର୍ଟି ଆପଣ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ବା କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ପୁଣି ଉଇଲ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଅଧିକାରୀ ହେଲେ, ତାର ମାଲିକାନା ଆସିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଉଇଲ୍ କି ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ସେ ଉଇଲ୍ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଡିସନାଲ ପେପର ଯୋଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଝାମଲା ବି ବହୁତ କ୍ରିଏଟ୍ ହଉଛି କୋର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ଉଇଲ୍ ଆଉ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଠି ଏଇ ଉଇଲ୍ ଯୋଉ କରାହବ, ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଷ୍ଟ ଉଇଲ୍ କରିଥିବେ ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବରୁ, ଦାଟ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଇନ୍ ଦି କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ, ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଉଇଲ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଫ୍। ଏବଂ ଉଇଲ୍ରେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଇଲ୍ ହାଜ୍ ନୋ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରଫ୍ ପେପର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବେ, ସେ ଉଇଲ୍ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଅଧିକାର କରିବେ, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାର କଲାବେଳେ ଉଇଲ୍ ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତିକି ବିକିଦେବେ ଅନ୍ୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେବେ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉଇଲ୍ ବଦଳେଇ ପାରିବେ, ଏବଂ ଯେତେ ଥର ବଦଳାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟୁଆର ଲାଷ୍ଟ ଉଇଲ୍ ବିଫୋର୍ ଡେଥ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ତେବେ ଏଇଠି ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁଛି, ମୁଁ ତ ଉଇଲ୍ କରିଦେଲି କିନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ ହବ ନ ହବ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଲିନି, ମୁଁ ଜାଣିବାର ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଚାଲିଗଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଓକିଲର ହେଲ୍ପ ନଉଛେ, ସେ ଜଣେ ସେ ବି ତା ସେଥିରେ ପେପରରେ ୱିଟନେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ, କାରଣ ୱିଟନେସ୍ ଦି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଆପଣ ଡାକିକି ଆଣିକି ତାକୁ ୱିଟନେସ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୋର୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି କାଗଜପତ୍ର, ସେତେବେଳେ କିଏ ତାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଯିବ, କୋର୍ଟକୁ ଯିବ କିଏ? ସେ ଏଇ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଝାମଲା ଆସୁଛି ତା ଭିତରେ, କଣ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋର୍ଟରେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି ଏଥିରେ, କାହାଠୁ ହାତ ଉଧାରି ଆଣିକି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଥିରେ ଅଧିକାର ଅଛି, କାହାର କିଛି ଅଧିକାର ନଥିବ, କୁଆଡେ ଖୋଜି ଖାଜି କିଣି କହ ମୁଁ ସେବା କରିଥିଲି 50 ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଧରିକି, ମୋର ବି କିଛି ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ
आरआईज करिवार संभावना रही किंतु आपण तो जे विल कर व्यक्ति तो चली गला से जानवर किसी ना कि जहाँ ना रे विल आप बेनिफिशियरी से बेनिफिशियरी तो जड़े नुहे जड़े हई पारे जन को अधिक भी हई पारे से मैंने ही कोर्ट को जिबे यही जो कोर्ट को जिबे मृत्यु रे जे विल कर व्यक्तिर मृत्यु पर से कोर्ट को जीव से कोर्ट को गला परे से कह विल छाड़ी की जाती मोर बापा कि अमक लोक ढमक लोक से विल करके मत संपत्ति मो ना को हस्तांतर कर दिया जाऊ आर कंपिटेंट अथॉरिटी केवल ए विल की विचार करने डिस्ट्रिक्ट जज जिला जज जिला जज एवं हाई कोर्ट तापरे तापरे सुप्रीम कोर्ट जिला जज तलू से कहीं विचार करें ना कि प्रश्न उठू जे मु विल माध्यम रे जो बेनिफिशियरी पाखक जो संपत्ति हस्तांतर हो जाते बहुत कम खर्च हे एवं जदि कौन सी प्रकार प्रतिबंधक न आसे मझेरे सुरखुरी भी हस्तांतर हो डिस्ट्रिक्ट जज तहसीलदार को डायरेक्शन देवे यही जो संपत्ति अच्छी आप जहाँ शेड्यूल प्रकाश करेंगे विल कला बेले ये मानक ना कर दिया जाऊ संपत्ति की आपण को बहुत बहुत कम खर्च हम खर्च हम आम कहानी बिलकुल खर्च नहीं खर्च अच्छी किंतु अन्यान्य माध्यम सक्सेशन सर्टिफिकेट माध्यम आम जो संपत्तिर मालिकाना पाई था जहाँ खर्च कर दौड़ी था समय बीते बहुत कम तापर ए जो विल माध्यम जो बेनिफिशियरी मैंने अच्छा मुझे आगुरी कही गोटे विल हेला बेले 90% जदि बेनिफिशियरी मान को उपकार आसुची 10% जदि तंकर किछ असुविधा होउची मु 90% टा देखिबि ना 10% टा देखिबि निश्चित भाव रे मु 90% टा को देखिबि केमिति जदि मोर सब सुविधा रे हेला कम पैसा रे हेला कम दौड़ धपट रे हेला वकील लागिबो मध्ये एथरे वकील लागिले मध्ये काम रे जेमते हेला पर किछ असुविधा नै ताको अनवांटेड लोक अनसोशियल लोक जो माने गंडगोल करिकि माडी बसिया को थिलो से माडी बसि परिबे नै तन एही परिप्रेक्षी ने मोर कह कथा हूँ आम विल करने समस्ते मो मतरे विल करदेटा सब भल विल कला बेले आपको खाली गोटे उदाहरण देवी सब दिए जाणी बहुत किसी उदाहरण रही कि गोटे दिटा उदाहरण खाली अल्प समय पर देवी समय भी हो आसला एथेरे जने प्रश्न पचारे मुझे पढ़ी पाइली गोटे लाइन रे लिखाई थला बोली बैंक रु लोन आनी बैंक के जानी दे बैंक के क्लेम करिया को जीवो मु कहि दे जो शेड्यूल करथिबे सेथेरे शेड्यूल रे आपण कर डेप्ट मध्ये देखै परिवे यदि आपण डेप्ट देखै देबे आपण पिला माने भी हैरान हरकत हेबे नाही डेप्ट रे लिखै देले से कोर्ट बैंक वाला को कोर्ट डायरेक्शन दब हमर की चिंता करिया नाही मु गोटे लाइन थिला बन ताको पढ़ी पकेली तेणु आपण मैंने शॉर्ट क्वेश्चन देले मु ताको पढ़ी दे पारी ना क्वेश्चन करिया पड़ो ए परिप्रेक्षी रे तेणु मु जहाँ ओन प्रॉपर्टी एवं जहाँ मो पाखरे अन्यर मोठु पाइयार अछि ताके मध्ये मु उल्लेख करथिबी तेणु लास्ट प्रॉपर्टी कोर्ट डिसीजन नब जे संपत्ति रे वैल्यूएशन एया हला बाबूंकर विल करथा व्यक्तिंकर एतिके टंका अन्य मानको दबा को अछि ताको माइनस कला परे बाकी डिस्ट्रीब्यूशन हम सब प्रकार सिस्टम तर अच्छी प्रत्येक लोक विल कर भिन्न भिन्न समस्या मान रही तेणु भिन्न भिन्न समस्या को नहीं कि आम को विल लिखा पड़ो विल कंप्यूटराइज हो जाएगी से ओडिया भी कंप्यूटराइज
ଇଂରାଜୀରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଖାଲି ତାର ଡ୍ୟାଶ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ସେଡ୍ୟୁଲିଂ ଟିକି ଯଦି ଓକିଲକୁ ନେଇକି ଧରେଇ ଦେବେ ସବୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାମଟି ହବ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଉଇଲ୍ କରିବେ, ଉଇଲ୍ କରିଦେଇକି କରିଦେବାଟା ସବୁଠୁ ଭଲ। କାରଣ କିଛି ଜାଗାରେ କହନ୍ତି କିଛି ବନ୍ଧୁ ଯେ ଉଇଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ। ସେଇଟା ସତ୍ୟତା ଭିତରେ ବି କିଛିଟା ରହିଛି, ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେବେନି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାଡ଼ପିଟି ହେବେ ସେଇମାନେ ହିଁ ମାନେ ଯାହା ହେବେ ହଇରାଣ ହେବେ। ଆପଣ ତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ମୋର କଣ ହେଲା ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ସବୁ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବା ଆମର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଉଇଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର ଯୋଉ ବେନିଫିସିଆରି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବେ କୋର୍ଟରେ, ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ, ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ କୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟର ଯାଇକିଣି ପହଞ୍ଚିବ, ଯୋଉମାନେ ତାର ବେନିଫିସିଆରି ଅଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କି ହଉ ଦି ଜଣ ହଉ ସମସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମିଶିକିଣି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣେ ପଚାରିଲେ ମୋର ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି ମୋର କଣ ଉଇଲ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମୁଁ ତ କହିଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିବ ବା ସମାଜ ସେବାରେ ଟିକେ ଲାଗିବ, ମୋ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହେବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଛି ଖୁସି ହେବେ, ମୋ ମନ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ପିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଲ୍, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି କଷ୍ଟୋଡିଆନ, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଷ୍ଟୋଡିଆନ କେମିତି ହବ, କଷ୍ଟୋଡିଆନ ସେ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ବା ଯଦି ମାଇନର ଚାଇଲ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ ତାର କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାର କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମେଜର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କାହା ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତା ନାଁ ବି ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ, ସେ କଥା ବି ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଇଲ୍ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଇଏ ବହୁତ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପେସାରେ ଓକିଲ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଓକିଲାତି ପଢିଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଓକିଲ ଅଛି, ଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଡିତ ହେଇଗଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଓକିଲ ପେସା ମୁଁ ମାନେ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାନ୍ସ ପାଇଲିନି କି ମୋର ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲାନି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଉଇଲ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ବି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକିଣି ଓକିଲ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିକିଣି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବସିକି ସେ ତାର ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିଦବ, ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧୀରସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା କରିକିଣି ସମୟ ଲାଗୁ ପଛକେ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସେଡ୍ୟୁଲିଂ କରିବେ, ଲିଷ୍ଟ କରିବେ, ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବା ଦରକାର, ତାକୁ ଅଯଥାରେ କାଗଜ ବଢେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିହାତି ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି ତାକୁ ଲିଷ୍ଟିଂ କରି ଆପଣ କୌଣସି ଓକିଲ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ଯୋଉ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପେପର କୋଉଠି ମୁଁ ରଖିବି, ମୁଁ କଣ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତଳେ ସବୁବେଳେ ଥୋଇପାରିଥିବି ନା, ଆଲମାରୀ ଭିତରେ ରଖିଲେ ସେ ଲୁଚିକି ରହିପାରିବ ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବିନି ନା। ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକିଣି ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣ ୱିଟନେସ୍ ଯାହାକୁ ପକେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ଉଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହା ନାଁରେ କେତେ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଢିବି କି ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜେନେରାଲି ଲୁଚିକି ରହିପାରିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ସେମାନେ ବି ଏହା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଦି ଉଇଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ
सुरखुरी ताकु विल कर दे परिवे जे मो संपत्ति एमती तम मान पाकु को भाग भाग है कि चली जो आमे बेसी समय आलोचना कलणी आउ आलोचना करिवानी घंटा दे हेइ जबो तनु मु वर्तमान केते ओडिया प्रश्न रो उत्तर जतले प्रश्न पढुथिलि मु कहि देछि आ जदि एले किछि समय हमको मिल पारिबो तबे आमे पुणी आलोचना करिबा मु वर्तमान प्रदीप्त कुमार महांति बाबू को अनुरोध करूछि आमे प्रश्नोत्तर कार्यक्रम को जति कि समय होति जा गोटे डेटा जहां जदि हम आंसर मु देछि किछि बडी आउरी यदि किछि थिबा आमे शॉर्टकट रे कहि पारिबा ठीक धन्यवाद जुगल बाबू बहुत सुंदर भाव प्रांजल भाव आप बुझे वर्तमान समस्या उपरे केमती व्हील करा जीवो बहुत अमर बंधु मान जो मान डाउट थला क्वेश्चन बॉक्स आज्ञा हाँ राजकुमार बाबू आज्ञा आज्ञा अपन तो इतने क्लियरली भी सब जिनसे कोई दिन गुड़ाए प्रश्न जहाँ मने थे ना तब सब समाधान नहीं गला एनी बर्तन अमर ये प्रदीप भाई तो कहते जे जहाँ जहाँ जो आउ जहाँ प्रश्न अच्छे से राजकुमार बाबू कौन तो ना अपन सुतर भाई अपन कोई तो राजकुमार भाई अपन कहीं आसुनी साउंड आसुनी मोर साउंड आसुनी आसुनी तो जुगल सर अपन कर बदले साउंड रे किसी प्रॉब्लम अच्छी नेटवर्क साउंड क्लियर अच्छी तो सुष्मिता मैडम हाँ हाँ सब साउंड क्लियर अच्छी सर का वॉइस टा सुगुची अच्छा ठीक अच्छे गोटे प्रश्न अच्छी इफ दि प्रॉपर्टी इज नेम ऑफ वाइफ आफ्टर हर डेथ कैन हस्बैंड बी दि ऑटोमेटिकली ओनर ऑफ हर प्रॉपर्टी एंड वाइस वर्सा इफ नॉट व्हाट इज दि प्रोसीजर पचार मिस्टर हेमंत कुमार दास ता उत्तर से दे सके हाँ गुडे प्रश्न तो एक्जाक्टली वेरी यूजफुल इनफॉरमेशन वन क्वेरी कैन आई गेट ए लेटर इनफॉर्म मी हाउ द विल हैज बीन इंप्लीमेंटेड आफ्टर आई पास अवे कौन ये कौन गोटे प्रश्न इफ समबडी पासेस अवे हाउ विल यू गेट ए लेटर अच्छा तापर प्रश्न भी जो जुगल बाबू दे दे चंती हाउ द बैंक विल नो टू क्लेम दैट ऑलरेडी हैज गिवन दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन तर नेम सम गुड लॉयर्स टू एग्जीक्यूट द विल एटा जुगल बाबू किछ कहबे जुगल बाबू म्यूट हो गेले कि जुगल बाबू म्यूट हो जाय चंती ए बिषयरे मु कहिबी किन इंडिविजुअल जेतले प्रश्न करिवे मु कहिबी म पर्सनल फोन कला बले कहिबी ओके ठीक है एबे मु जहा कहिबा एटा भूल हबो म पाई हां हां नै नै सतक 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 ठीक है थैंक यू ठीक है थैंक यू वेरी मच तापरे वेदर फॉर सिंगल चाइल्ड एटा क्वाइट विल इज ऑलरेडी हैज आंसर हु विल बी द कस्टोडियन एटा भी से कहि दै चंदी गोटे कहि दै चंदी गोटे कहि निज पखरे सिंगल चाइल्ड विषय रे म कहि जी हां हां यदि ता परवर्ती जो प्रश्न अछि हु विल बी द कस्टोडियन ता ऊपर भी आपण क्लियरली कहि चंदी हां ता ऊपर भी कहि जी हां ता ऊपर आपण कहि चंदी ये कुमार भाई वॉइस ता हटा दे बंद हे गला त मते सुना जाउनी भलो हां तो ये हब जुगल भाई कर जुगल भाई कर फोन नंबर ता शेयर कर दंतु जहां को दरकार इंडिविजुअली ताको फोन करला से भलो हां हां राइट राइट एकदम राइट हमें शेयर कर मो फोन नंबर ता रखी दे दिबे जेतेले ना हेतु निहाते दरकार मते फोन करिवे हां से बहुत कोऑपरेटिव लोक दिलदार लोक माने एते एते सिंपल वे रे सब एस्पेक्ट को कवर करी से कहिसंती जे प्राय जहा किछ मन रे हमर सब थिला संदेश सब दूरीभूत होई जाइछि ए भी से भी कहि देले हसिकरी मु पेशा मोर गोटे क्वेश्चन अच्छी
जो बेनिफिशियरी माने संपत्ति भोग करिवे सेटा जिला जज कोर्ट रे जाई जो अधिकार सब्यस्त करिवे जाको समाधान कर दियंतु ए विल रे जहां लिखा है जी सही धारा में सेटा हला प्रोबेट किंतु बंचित हला बेले प्रोबेट करबा की जरूरत नहीं किछि नहीं किछि नहीं किछि बंचित हला बेले से पेपर खंड का गोटे रफ कागज जा अच्छा के मोर छोटो प्रश्न छला विल करिसेंति विल समस्त के कहियार किछि प्रचार करिया भी आवश्यकता नहीं किछि जगह रे अपन प्रचार करि परिबे सिचुएशन देखि की कोड़ी करि परिबेनी उदाहरण खाली दौचे आपण जीवन काल भीतर माने एल आई सी निश्चय करिथिबे के ना के एल आई सी पॉलिसी के ना के निश्चित भाव गोटे दिटा करिथिबे निज जीवन रे करथिबे निज स्त्री ना रे करथिबे निज नाती नातुनी पुओ झंग ना रे भी करथिबे से एलआईसी रे पॉलिसी कला बेले गोटे रहिछि नोमिनी आ गोटे अछि असाइनमेंट बा असाइनी नोमिनी आ असाइनी भितरे बहुत फरक अछि सेमति जो फरकटा सेठि अछि मते जेहेतु समय अभाव हला हमकु गोटे घंटा टाइम दिया हितला आ से समय पळे आसीला बेसी हेगला मु कहि परलिनी कि नॉमिनेशन असाइनमेंट रे जो प्रकार फरक आसीबो लीगल हेयर आउ आपण कर सक्सेशन सक्सेशन क्वाइट डिफरेंट जिनिस लीगल हेयर ला टेंपरेरी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी के ताकु नबो आपण कर एलआईसी रे ओटे क्लेम आसीला सक्सेशन ओटे क्लेम आसीला से लीगल हेयर मागिला के आर मालिक अछि लीगल हेयर पहिला पर हेतर माइनर भी अछन्ति मेजर भी अछन्ति 10 जण तार बेनिफिशिंग पे बेनिफिट बाय पे अछन्ति किंतु सक्सेशन सर्टिफिकेट कथा देले कहली सेतेरे इलिका सिलिका के नाही बलेम दे नाही लीगल हेयर होत चारियाना आसीबे अपन कर कि जणे भी आसीबे खाली स्त्री थई परबे स्त्री हला लीगल हेयर स्वामी परे किंतु सक्सेशन सर्टिफिकेट कथा देले उठिबो सेतेबेले नाती नातुनी पुओ झियो केते तर ब्रांच अछि ट्री रे बाहर पडियो सब समस्त तर मालिकाना आसीबे तेणु सब दिटा क्वाइट डिफरेंट कहीं नोमिनेशन असाइनमेंट आपंकर एल आई सी पॉलिसी अच्छी बैंक अकाउंट अच्छी सब जिन मेनसन करेंगे जदि नोमिनी कर पॉलिसी खाली मान नोमिनी इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ही इज द ओनली रिसीवर ऑफ द प्रॉपर्टी एवं पाइला मान से पैसा नहीं जाइ पारिबो नहीं तार मालिक जाउ जन कोर्ट को गला मान सुरुखरे देला तो देला नहले कोर्ट गले कोर्ट विचार करियो तो दे दे पैसा जंचु आनो दे दे लोक दे तेन नोमिनेशन हैज नो वैल्यू एटा केवल कर है जी से संस्था रा जो टंका पैसा जहा दबा को छि सुरुखरे आ जनो पाखु को जाई परियो किंतु असाइनमेंट एमिति गोटे जिनिस सेतिर जहा को असाइन कराइ दिबो से प्रॉपर्टी ऊपर केही डिमांड करि परबे नि से असाइनर अन असाइनी से मान के भीतर संपर्क आ तृतीय व्यक्ति केही नांदी बहुत जिनमें भाई जो दुई जन विटनेस रही से विटनेस डेथ हो जाए या परे 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 ताले तांकर किछ आवश्यकता अछि कि नहीं, किसी नहीं, किसी नहीं। जो मोर जो विटनेस पड़ी मुझे बचे रखी पार्टी मला जाए
किंतु जनरली कौन करा जाए ता भीतर मन रखंतु आमे जो मन को विटनेस पकाऊ से मन आम बयस रु टिके यंगर एज हेले भलो भलो कना आमे आशा करिया जे मो मृत्यु पर से माने मरिवे ओटा आमे सब तो अनिश्चित किंतु आमे एटा गोटे कुआ जाउ छी जे जने यंगर एज रे लोकन को यंगर अर्थ निज ठारु यंगर तार विटनेस पकेले भलो अगर उली डॉक्टर कले कोन असुविधा हबो उइले नकले म आपन को आगुर कहिथिली जे आपनकर प्रॉपर्टी की काली कोनसी प्रकार अनसोशियल क्रिम माने क्लेमेंट क्लेमेंट त नहीं अनसोशियल लोक ता ग्राफ कर दे परियो जे आपन को बलवान धन रे हो संपत्ति रे हो बा शरीर के हिसाब रे हो आपन सेटा माडी बसियो से संपत्ति की आपनकर जो मान को दबा को चाहचंती प्रकृति रे ताकु भोग करिया को आपन चाहुथले कोनसी संस्था हो बा निज पिला हो त से माने भोग कर परिबे नि सहज रे एवं जदि कार केही नथिबे से सब शब्द संपत्ति सरकार नहीं जो कहा कौन करियो दब नब किसी नहीं बहुत समस्या भी भीतर अच्छी गंडगोल हबार भी संभावना पे मान भीतर अच्छी तेणु से सुरखु भी संपत्ति हस्तांतर हो जाए पारियो सक्सेस सर्टिफिकेट भाया सिलिका सिलिका नाती नातुनी अणा नाती पणा दे समस्त डाक जोगाड़ कर पहुंचार आवश्यकता ना सर नॉमिनी नॉमिनी जहाँ को आमे देइचु 20 वर्ष तले आज्ञा तापरे उडे सक्सेशन सर्टिफिकेट तयारी हला आफ्टर डेथ से सबु नॉमिनी कोन बाय डिफॉल्ट बंद हिजो प्रत्येक नॉमिनी बाय डिफॉल्ट बंद हबार चांस नहीं किंतु उइल थरे कला माने उइल रे जहाँ को आपण से आपण सेटा भी शेड्यूल भीतर रखिसेंती जोटा को नॉमिनी करिसेंती जो संपत्ति टाको संपत्ति माने जनरल त आपण स्थावर संपत्ति करि नॉमिनी करि परिबेनी केवल अस्थावर संपत्ति बैंक फैंक रु लोन बा एलआईसी रु किछ नेले नॉमिनी करिबे हेते की बट एलआईसी पॉलिसी रो तार मैच्योर प्रोडक्ट्स पाया पई सेतरे नॉमिनी करिबे डेथ प्रोसीजर पाया पई सेति भी नॉमिनी करि परिबे हां बैंकरप्सी डिपॉजिट्स हां से गोडा सब अछि किंतु से गोडा करे आपण जेते बेले आपण चाहिले नॉमिनेशन एट एनी टाइम कैन आल्सो बी चेंज्ड तेन आपणकर जीवित अवस्था रे विल करि सैला परे आपण जहाँ को से संपत्ति टा को शेड्यूल भीतर देइ छंती ता ना को मधे नॉमिनेशन चेंज कर दे परिवे तेन जेतेले विल जेतेले विचार हम कोर्ट रे से देदि हे गेला धर ए लोक पैसा पाई गेला ता बेनिफिट पाई गेला किंतु जदि वे नॉमिनी हे नै क्या को आसाइन है नहीं तबे कोर्ट जहाँ डिसीजन नब एलआईसी का जो प्रोसीड पाइप अच्छी मैच्योर हो कि डेथ हो से अनुसार कोर्ट डिसीजन अनुसार पेमेंट हम अच्छा सर धन्यवाद सर आज्ञा कर किसी प्रश्न अच्छी कि नहीं नाले शेष कार्यक्रम जो आज प्रमोद कुमार पटनायक हैंड रेज कर क्वेश्चन सर ना कि अच्छी तंग बतारन दो आगे जोगल भाई आ गोटे प्रश्न अछि हां कोन दो हां ए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रो हां मालिक मालिकाना सेवनकर डॉक्यूमेंट जोटा कसे देबे ता सहित आपनकर विल संगे डॉक्यूमेंट गुडा को ओरिजिनल रहबे ना डुप्लीकेट रहबे ना फोटोकॉपी रहबो विल कला बेले कोनोसी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हौ बा जेरॉक्स हौ बा फोटोकॉपी हौ दबा को पड़े नहीं केवल सेई अस्थावर स्थावर संपत्ति बा अस्थावर आपण नोट माने ताको स्पेसिफाई करिवे स्पेसिफाई करिया पे बहुत रास्ता अछि काहे ना थरे गोटे केस रे म आपण कहू छी जो गप्पा करे समय हबनी बोली कहले नी दिल्ली रे गोटे बाहर थला तार गोटे पेपर बाहर थला जने लोक उइल कला बेले से लिखला जे मो स्त्री ए घरे रही पारिबो मो पुआ ए घरे भी रही पारिबो जो तार निजर से जो घरटी थिला किंतु एमिति अवस्था आसिला से उइल रे से लेखि नथिला स्पेसिफाई कर नथिला को रूम रे ता मा रहिबो ए ता स्त्री रहिबो बा को फ्लोर रे से रहिबो को स्टेयर केस से यूज करि पारिबो कि नहीं
ये सब जिन भितर कोर्ट को चली चली के वर्ष केस चलला सुप्रीम कोर्ट कौन कला ता स्त्री की देलानी कौन से संपत्ति तेणु से आपे जमी जन साधारण लोक बुझीपार जे यही जगह टाक दि जाइ संपत्ति टाक दि जाइए से आपको कही खाता नंबर मौजा ना केते प्लॉट केते जगह सब जिन लंबा आकार शेड्यूल तैयारी हम कौन सी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बा जेरस कॉपी दिया जीव नहीं कौन दो मते समस्तंकर प्रश्न सरला आमे जे जुगलांकर टेलीफोन नंबर त भी दे दे छु चैट बॉक्स रे जो माने चाहिमे से टिपिकरी नै परिबे आउ जदि प्रश्न छै मते फोन करिबे मु जति पारिबे निश्चय हां काई ना मु एते एक्सपर्ट नहि प्रत्येक सिचुएशन अलग अलग हो जाए तेनाली तार हेल्प साहय करने को प्रस्तुत अच्छी भाई हाँ बर्तमान मुझे आमर जे प्रमोद कुमार पटनायक भाई को से आज वेबिनार शेष स्पर्श धन्यवाद अर्पण करेंगे श्री प्रमोद कुमार भाई प्रमोद कुमार पटनायक जय जगन्नाथ शुभ संध्या संजोग द्वारा आयोजित आज कार्यक्रम सामिल होता समस्त वरिष्ठ नागरिक वृंद तथा श्रोता समस्त को प्रमोद कुमार पटनायक हार्दिक शुभेच्छा एवं प्रणाम जनाऊे आज आलोचित विषय विल आलोकपात कर विशिष्ट वरिष्ठ आईनजीवी श्रीजुक्त जुगल किशोर साहू महोदय को मोर विनम्र प्रणाम जनाऊि यह आलोचना टी समस्त वरिष्ठ नागरिक मान शिक्षण यार उपयोगित आवश्यकता रही आम मान को अभिज्ञता से अनेक किसी बांटी थवे पाखे आम संजोग तरफ मोर कृतज्ञता ज्ञापन करपे आम जाना जदि यार कार्यकारिता केवल मृत्यु पर एणु परे जेपरी आमर पुत्र कन्या बा पौत्र मानक उपरे कोनोसी उपार्जित धन संपत्ति को नहीं विशृंखला नहयु सेथिपई समस्त को एथि प्रति सजाग हबा उचित बोली भाई मध्य आम मानक जणैले एटा करि देवा उचित किंतु आमे जहाँ देखु जो मानक अधिक धन संपत्ति बहुत किछि थाए से माने विल केवल को अडॉप्ट करती अथ नहले प्राय मो अभिज्ञता रु भावुची समस्त एथिरे भाग नहीं पारते चाहते ना से निज उपर निर्भर करे से तो गोटे कथा गला आणु आम आम मधे जो सन्देह था प्रश्नोत्तर मध्यम समाधान कर भाई करदे मुझे कतोटी प्रश्न लिखी थी देख ली भाई गोटे गोटे सब जाक आंसर देदे आणु भाई की बहुत बहुत धन्यवाद आ आदि किसी प्रश्न थाए तो भाई तो नंबर देखते आम मैंने बुझी नहीं पार आमर जतक आम संजोग जो आम सदस्य सदस्य मान जो मैंने बहुत समय धरी शुणुले से मानक मोर अशेष अशेष धन्यवाद कारण सी तर मूल्यवान समय दे भाई एक कथा को गोटे गोटे शुणी बहुत खुशी होती है किसी नलेजेबुल जिन जाणी कथा अच्छा आम जाणीचु खाली विल कितने जिन थाए कौन किए करे न करते कौन कौन डॉक्यूमेंटेशन दरकार कौन ना या हूं तो क्या असुविधा पक करे कि उचित बोली भाई जहाँ कहले आम चेष्टा करवामर संचालक प्रदीप महां भाई परिचालना अति सुंदर भाव कर बहुत धन्यवाद और शुभेच्छा आ छा जहा आज वेबिनार शेष स्पर्श देवाई मत सुतार भाई गोटे बड़ सुजोग पाखे मोर कृतज्ञता ज्ञापन कर मूल्यवान समय दे आम मान विल सम्बन्ध में जहाँ जोगल भाई कहले ज्ञान वितरण करेणु आम संजोग पर तरफ हार्दिक कृतज्ञता आम जनाऊु संजोग पर समस्त उपस्थित सदस्य मान धन्यवाद दौचु से मैंने ये समय अपेक्षा कर सब जिन शुणिले आ छड़ा आज जो मैंने अन्न मैंने उपस्थित
अच्छा एवं शुणु श्रोता भाव से शुणुंट धन्यवाद जनइबु ता छड़ा मुझे क्यों जो धन्यवाद दौर पर्सनल बहुत ताको सफल मंडित उपस्थित थे आज समस्त धन्यवाद मो तरफ दूसरी जो मैंने मोठारु बयस बड़ा अच्छा विनम्र प्रणाम जनाऊँगी वृंदावन पंडा बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊनिक भाव बड़ भाई हर भाई की और सुतार भाई की मोर प्रणाम हृदय धन्यवाद कारण बिना प्रचेषा कार्यक्रम टी संपूर्ण हो पार ना धन्यवाद सर मुक्रम टा विराम सुतार भाई को अनुरोध धन्यवाद प्रमोद भाई की बहुत बहुत धन्यवाद क्या छाड़ ना अति सुंदर भाव आज कार्य समापन कर समस्ते जोगदे जुगल भाई जो प्रांजल भाव बुझेले समस्ते निश्चय हृदयंगम करेंगे जहा द्वारा आम बहुत उपकृत हेले पुणी आउ थे आउ किसी जिन रही कौन हम पर डाकिकारे कहीं जो आईन एत व्यापक बहुत जिनसे सब रही समस्त आउ थे धन्यवाद आस्ते आस्ते विदा ना पुणी आम मिसा आसंता वेबिनार फेब्रुआरी 3 तारीख गुरुवार दिन नमस्कार धन्यवाद।